शासन के सख्त रुख के बाद भी भूमाफिया कर रहे हैं अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा। आपको बता दें, दहली सुजानपुर निवासी मोहम्मद शकील के खाली प्लाट पर कुछ दबंग भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के बाद उस पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। पीड़ित द्वारा इसकी सूचना सभी प्रशासनिक अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है, अथवा इसका मामला न्यायालय में भी दाखिल है। इसके बाद भी भूमाफिया स्थानीय पुलिस की मिलीभगत द्वारा निर्माण कार्य करवा रहे हैं। शासन द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, अथवा अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन अभी भी भूमाफिया जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।